इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में इस T20I सीरीज का पहला मुकाबला खेले जाने वाला है। अब काफी सारे लोग इस वाले मुकाबले की ड्रीम इलेवन के ऊपर टीमें बना के भी आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर कंपटीशन कितना ज्यादा है। मतलब इतने सारे लोग आपके साथ में टीमें बना के चलेंगे। अब इतने सारे कंपटीशन को अगर आपको पार करना है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर आप डिफरेंट टीम नहीं बनाओगे तो आपकी टीम यहाँ पर कंपटीशन के अंदर ही रह जाएगी, इतने सारे कंपटीशन से बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो आपको इस वाले मुकाबले की डिफरेंट टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको सारा का सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग जो यहाँ पे टीम बनाएंगे वो केवल फर्स्ट प्राइज देख के टीम बनाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है तो सिर्फ आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मुझे इतने कंपटीशन से बाहर कैसे निकलना है। जिस दिन आपको इतने सारे कंपटीशन से बाहर निकलना आ जाएगा उस दिन से आपके लिए ड्रीम इलेवन पे रैंक वन पे आना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। और बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे ये भी करेंगे कि जो भी ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे उनको लेंगे अपनी टीम के अंदर, यानी कि सेफ सेफ खिलाड़ियों को लेके चलेंगे और वो रिस्क नहीं लेंगे ज्यादा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे ज्यादा रिस्क लेंगे तो जो पैसे हम लगाएंगे वो भी वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो ज्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, वो सेफ सेफ खिलाड़ियों को लेके चलेंगे और सेफ सेफ खिलाड़ियों को ही सीवीसी बना के चलेंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो भाई आपके लिए रैंक वन पे आना काफी ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर रैंक वन पे भी वही टीम आती है जो कि काफी ज्यादा रिस्की होती है। अब रिस्की टीम यहाँ पे काफी सारे लोग नहीं बना के चलेंगे, जो गिने चुने लोग होंगे वही रिस्की टीम बना के चलेंगे, क्योंकि वही रिस्क लेना जानते हैं। अब भाई यहाँ पे आपको रैंक वन पे आना तो थोड़ा बहुत तो रिस्क आपको यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल दिमाग लगा के आप टीम बनाओगे उतना सिंपल दिमाग इतने सारे लोग भी लगाएंगे, तो क्या ये सारे के सारे तो रैंक वन पे नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इस वाले मुकाबले की डिफरेंट टीम आज इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस रिक्सी टीम के अंदर इन खिलाड़ियों में से हमको कौन से खिलाड़ी को लेके चलेंगे और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करेंगे, और इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए, और अफगानिस्तान अगर पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको तीन ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें भी बना के बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वाले मुकाबले की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसके अंदर मैंने आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना। बाकी फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इन सारे खिलाड़ियों में से हमारे लिए फिक्स प्लेयर कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको गुरबाज देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए इस वाले मुकाबले के अंदर फिक्स प्लेयर होंगे। आप अपनी हर टीम के अंदर गुरबाज को लेकर चल सकते हो। बाकी संजू सैमसन रिक्सी प्लेयर होंगे तो इनको कब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी जितेश शर्मा फ्लॉप जाने वाले हैं इनको ड्रॉप आउट कर लेना और अखिल को भी ड्रॉप आउट कर लेना। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर की बात की जाए तो विराट कोहली आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, इनको आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। रिंकू सिंह आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, इनको भी आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी नीचे आपको यशस्वी जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, ये भी फिक्स प्लेयर होंगे। यानी कि बैटिंग वाले सेक्शन में जो तीन खिलाड़ी मैंने आपको बताया है इनको आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में इनके साथ में कब कौन से खिलाड़ी को आपको लेके चलना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी फिक्स होने वाला है। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको अक्षर पटेल देखने को मिल जाएंगे और नीचे आपको उमर जाई देखने को मिल जाएंगे। दो खिलाड़ी यहाँ से आपके लिए फिक्स होने वाले हैं जिनको आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लेके चल सकते हो। बाकी नीचे के जो भी खिलाड़ी है ये सारे के सारे लो परसेंटेज होंगे, अगर इनको लेना होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, और कौन सी टीम में ड्रॉप आउट करना होगा वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी फिक्स होने वाला है। ऊपर ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको राशिद खान देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे, इनको भी आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी नीचे आपको अर्शदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है, ये भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है और इस वाले मुकाबले के अंदर ये भी काफी अच्छी विकेटें निकालते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको रवि बिश्नोई देखने को मिल जाएंगे बॉलिंग वाले सेक्शन में, ये भी फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, तो इनको भी आपको हर टीम के अंदर लेके चलना है। बाकी तीन खिलाड़ी फिलहाल मैंने यहाँ पर आपको फिक्स बताए हैं जिनको आपको हर टीम के अंदर लेके चलना चाहिए। बाकी इनके साथ में अगर कोई रिक्सी प्लेयर को लेना होगा तो वो मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी फिलहाल मैंने आपको सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए फिक्स होने वाला है। बाकी अब मैं आपको वो तीन ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें बना के बता देता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो पहली टीम हम यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि अगर इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना है विकेट कीपर वाले सेक्शन में, यहाँ पर आपको गुरबाज को लेकर चलना है, संजू सैमसन को लेकर चलना है, दो खिलाड़ी मैं नीचे से ड्रॉप आउट करके चल रहा हूँ। इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर हम विराट कोहली को लेकर चलेंगे, शुभ
शुभमन गिल को लेके चलेंगे, रिंकू सिंह को लेके चलेंगे, यशस्वी जायसवाल को लेके चलेंगे और नीचे हम इब्राहिम जडरन को लेके चलेंगे। ये टीम आपको कब क्रिएट करनी है, जब यहाँ पे इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तब आप कुछ इस तरीके से टीम बना के चल सकते हो। और यहाँ पे मैंने रोहित शर्मा को ड्रॉप आउट इसलिए किया है क्योंकि ये मिडिल ओवर के अंदर बैटिंग करने आ सकते हैं और उनसे पहले ही यहाँ पे 20 ओवर का मुकाबला है तो रन ऑलरेडी ये खिलाड़ी बढ़ना लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोहित शर्मा को ड्रॉप आउट किया है। बाकी जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है उनको मैंने लिया है और काफी लो परसेंटेज खिलाड़ी भी मैंने लिया है ग्रैंड लीग की टीम के हिसाब से। बाकी ये 5 खिलाड़ी मैं यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन में लेने वाला हूँ। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं उमर जाई को लेके चलूंगा और अक्षर पटेल को लेके चलूंगा, 2 खिलाड़ी मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। इसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो रवि बिश्नो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको फारूकी देखने को मिल जाएंगे, फारूकी को लेके चल सकते हो, लो परसेंटेज खिलाड़ी। बाकी फारूकी अगर लाइनअप में नहीं आते हैं तो एक ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ और वो है यहाँ पर राशिद खान का। राशिद खान आप फारूकी की जगह पे लेके चल सकते हो। बाकी अगर फारूकी खेलते हैं तो आप उनको भी लेके चल सकते हो, काफी जबरदस्त खिलाड़ी वो भी होने वाले हैं। बाकी हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में 2 खिलाड़ी को लिया है, 5 खिलाड़ी बैटिंग वाले सेक्शन में लिया है, 2 खिलाड़ी ऑलराउंडर से लिया है और 2 खिलाड़ी की बात की जाए तो बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। टॉस जीत कर पहले अगर बैटिंग करने का फैसला ले रही है इंडिया तो भाई यहाँ पे बैटिंग भी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी इन खिलाड़ियों से, तो इनको मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी रोहित शर्मा को मैंने रिस्क लेके उनको ड्रॉप आउट किया है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन की भी बात की जाए तो भी हमारे पास इंडिया की तरफ से 2 खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपको काफी अच्छी विकेटें भी निकाल के देने वाला है। बाकी अफगानिस्तान की तरफ से भी अगर आपको अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिलेगी तो भी ये 3 खिलाड़ी आपको अच्छी खासी बैटिंग करके देने वाले हैं और बॉलिंग भी अगर अच्छी करेंगे तो भी भाई ये 2 खिलाड़ी आपको अच्छी खासी बॉलिंग भी करके देने वाले हैं। बाकी कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप भी बना के चल सकते हो। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर आपको सीवीसी क्रिएट करना है तो भाई विराट कोहली को आप कैप्टन बना के चल सकते हो और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो राशिद खान को भी बना सकते हो। ये 2 खिलाड़ी भी सीवीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और काफी डिफरेंट तरीके से भी होने वाले हैं, तो आप भी चाहो तो अपने इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर सीवीसी कुछ इस तरीके से बना सकते हो और खिलाड़ी जो मैंने लिया है कुछ इस तरीके से आप लेके चल सकते हो। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग का दूसरा कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ। अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आएंगे बॉलिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पर राशिद खान को लेके चलेंगे, नीचे हम अर्शदीप सिंह को लेके चलेंगे, नवीन उलक को लेके चलेंगे, फिर इसके बाद रवि बिश्नोई को लेके चलेंगे और नीचे हम फारूकी को लेके चलेंगे। 5 खिलाड़ी हम बॉलिंग वाले सेक्शन में लेके चलेंगे जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन में केवल 1 खिलाड़ी को लेके चलूंगा और वो है यहाँ पे उमर जाई। फिर बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो मैं यहाँ पे विराट कोहली को लेके चलूंगा, शुभमन गिल को लेके चलूंगा, यशस्वी जायसवाल को लेके चलूंगा। 3 खिलाड़ी मैं इंडिया की तरफ से लेने वाला हूँ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो और 1 खिलाड़ी जो मैं लेके चलूंगा वो अफगानिस्तान की तरफ से लेके चलूंगा जो कि जजाई है हमारे पास। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर मैं केवल गुरबाज को लेके चलूंगा। अब अफगानिस्तान पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो और अफगानिस्तान अगर यहाँ पे बॉलिंग भी काफी जबरदस्त करेगी और विकेटें भी निकालेगी तो भी भाई हमारे पास ये खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इंडिया की तरफ से भी मैंने 2 खिलाड़ी काफी जबरदस्त लिए हैं जो कि भाई आपको अच्छी खासी विकेटें भी निकाल के देने वाले हैं। बाकी दोनों टीमों की तरफ से अगर बैटिंग काफी जबरदस्त देखने को मिलती है तो भी भाई आपके लिए बैलेंस तरीके से खिलाड़ी मैंने लिया है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर आपको सीवीसी क्रिएट करना है तो भाई कैप्टन आप बना सकते हो उमर जाई को और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो विराट कोहली को भी बना सकते हो। विराट कोहली अब की बार सीवीसी के लिए बेस्ट खिलाड़ी होंगे, ये चीज नोटिस जरूर कर लेना। और उमर जाई को आप इस कंडीशन में सीवीसी बना के चल सकते हो क्योंकि ये बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करेंगे और ये तेज गेंदबाज भी है तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे 2-3 विकेट ये भी चटका सकते हैं इंडिया के, तो इसीलिए आप कुछ इस तरीके से ये वाला कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको ग्रैंड लीग का तीसरा कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ जो कि ऑल ओवर हमारा पूरा इंडिया के फेवर में होने वाला है क्योंकि अफगानिस्तान के सामने T20 के अंदर इंडिया काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है, तो इसीलिए आप 3 कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एक कॉम्बिनेशन पूरा इंडिया के फेवर में ही बनाना। तो अब ये इंडिया के फेवर में टीम किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। और वैसे भी चाहे T20 की सीरीज होती है और पहला जो मुकाबला है वो ज्यादातर इंडिया ही जीतती है, तो इस वाले मैच के अंदर भी इंडिया के जीतने के चांसेस होने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन इंडिया के फेवर में जरूर से बनाना। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुरबाज को लेके चलेंगे, संजू सैमसन को लेके चलेंगे, फिर इसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे 1 खिलाड़ी राशिद खान को लेके चलेंगे, इसके बाद अर्शदीप सिंह को लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे मैं रवि बिश्नोई को लेके चलूंगा, मुकेश कुमार को लेके चलूंगा, यानी कि 4 खिलाड़ी जो मैं लेके चलूंगा बॉलिंग वाले सेक्शन में लेके चलूंगा। इसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं उमर जाई को लेके चलूंगा, अक्षर पटेल को लेके चलूंगा और 3 खिलाड़ी जो मैं लेके चलूंगा वो इंडिया के तरफ से ही लेने वाला हूँ जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो और हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा इंडिया के फेवर में होने वाला है जिसके अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में 2 खिलाड़ी को लिया है, 3 खिलाड़ी बैटिंग से लिया है, 2 खिलाड़ी ऑलराउंडर से लिया है और 4 खिलाड़ी की बात की जाए तो बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो भाई यहाँ
पे ये खिलाड़ी भी आपको काफी जबरदस्त बैटिंग करके देने वाले हैं, और वैसे भी 20 ओवर का मुकाबला है तो यहाँ पे ये 5 खिलाड़ी ही अच्छे खासे रन बना देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इन खिलाड़ियों को लिया है। बाकी सेकंड इनिंग में अगर इंडिया काफी जबरदस्त बॉलिंग भी करती है तो भी भाई हमारे लिए 4 खिलाड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपको अफगानिस्तान की काफी अच्छी विकेटें भी निकाल के देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप खिलाड़ी लेके चल सकते हो और कुछ इस तरीके का भी आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर आपको सीवीसी क्रिएट करना है तो भाई कैप्टन आप अर्शदीप सिंह को बना सकते हो, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो विराट कोहली को भी बना सकते हो। ये 2 खिलाड़ी भी सीवीसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको भी आप सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी सीवीसी के लिए एक ऑप्शन और बता देता हूँ, और वो है यहाँ पर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई का भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है सीवीसी के लिए, क्योंकि रवि बिश्नोई भी विकेट टेकर गेंदबाज है और इस वाले मुकाबले के अंदर ये भी काफी अच्छी विकेटें निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इनको भी आप सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी बेस्ट कौन सा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आपको भी बताया कि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है, तो यहाँ पर आप अलग अलग 3 कॉम्बिनेशन बनाओ और तीनों के अंदर आप अलग अलग तरीके से खिलाड़ी लेके चलो, ताकि उनमें से आपका एक ना एक कॉम्बिनेशन अच्छा खासा रैंक भी हो पाए। बाकी अभी जो मैंने आपको 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बताए हैं, कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाला कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।